नमस्कार, मैं श्रीति और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल ताजा मामला पालीगंज से निकलकर सामने आया है, जहां अनियंत्रित ट्रक ने करीब आधे दर्जन सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद डाला, जिसके बाद मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई, वही दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायल युवक को पटना के पीएमसीएच में सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि इसको लेकर सैकड़ों लोग जो है आक्रोशित लोगों ने जमकर पालीगंज बेहटा H2 मार्ग जाम कर धरना प्रदर्शन करने लगे और स्टॉप को सड़क पर रखकर लगातार मुआवजे की मांग करते रहे, जिसके बाद पालीगंज के DSP प्रीतम कुमार मौके पर दल बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर सरकार की ओर से मिलने वाली मुआवजे के आश्वासन देकर उन्हें शांत करवाया। जानकारी के अनुसार पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय बाजार से महज कुछ ही दूर पर स्थित धरहरा गांव के पास जयप्रकाश आश्रम और अनुमंडल कार्यालय धरहरा मोड़ के पास से एक के बाद एक दो जगहों पर औरंगाबाद और तेज गति से पटना की ओर जा रही अनियंत्रित ट्रक ने भीषण सड़क हादसे को अंजाम देते हुए 6 लोगों को बुरी तरह से रौंद डाला। सबसे पहले घटना में जयप्रकाश आश्रम के पास सड़क किनारे से काफी दूरी पर बैठे चार लोगों को बुरी तरह से रौंदते हुए लगभग 2 किलोमीटर तक आगे बढ़ते हुए पालीगंज अनुमंडल कार्यालय के पास स्थित धरहरा मोड़ के पास दूसरी घटना में 2 अन्य लोग बुरी तरह से रौंदते हुए सड़क किनारे रखे गिट्टी के ढेरों में जाकर घुस गए। ऐसे में आपको बता दें कि वही इस सड़क हादसे में जो भी लोग की मौत हुई है वो धरहरा गांव निवासी 55 वर्षीय राधा चौहान और दूसरा शिवनाथ पासवान की पत्नी 55 वर्षीय श्याम सुंदर देवी हैं, जबकि 2 अन्य लोग श्याम सुंदर देवी की पति शिवनाथ पासवान और दूसरा संजय महतो जख्मी हुए। दोनों जख्मी हुए भी धराधर गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तीसरे मरने वाले में विक्रम थाने क्षेत्र के जनपारा गांव निवासी मेकनिक का काम करने वाले उपेंद्र विश्वकर्मा है, जबकि चौथे मरने वाले व्यक्ति की अभी पहचान नहीं हुई है। इस घटना के बाद धरहरा मोड़ के पास अनियंत्रित ट्रक ने गिट्टी के ढेर में जाकर फंस गया। पीछे से पीछा करते हुए आ रहे लोगों ने ट्रक चालक और खलासी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया, वरना आक्रोशित लोगों भीड़ ने कुछ बड़ा हादसा कर देता, जिससे एक बड़ा हादसा मॉब ब्लीचिंग होने से बाल बाल बच गया। समय रहते पुलिस भी पहुंचकर स्थिति को संभाल कर एक बड़ा घटना होने से बचा लिया। वह इस घटना की सूचना मिलते ही पालीगंज DSP प्रीतम कुमार ने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचते ही इस भीषण सड़क हादसे की सुनकर जुटे क्रोशित सैकड़ों की संख्या लोग पाली बेहटा मार्ग को जाम कर सड़क पर शव रख को मुआवजे के लिए मांग करते रहे और धरना प्रदर्शन, जिन्हें किसी तरह से पुलिस ने उग्र भीड़ को समझा बुझा कर सरकार द्वारा मिलने वाले उचित मुआवजे को दिलवाने का आश्वासन देकर सड़क को हटवा कर फिर से यातायात को बहाल करवा कर सभी शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजकर इस मामले की जांच में जुट गई। वही मिली जानकारी के अनुसार ट्रक ड्राइवर की शराब की नशे होने बात बताई जा रही है। पुलिस ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अनियंत्रित ट्रक ने करीब आधे दर्जन सड़क किनारे के पास बैठे लोगों को रौंदते हुए निकल गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर जो खलासी और ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। और अभी आपको बता दें कि प्रीतम कुमार जो पालीगंज के DSP है, वो मौके पर दलबल के साथ पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर सरकार की द्वारा मिलने वाली मुआवजे की आश्वासन देकर सड़क जो सब लोग को सबों को लेकर जो सड़क पर जमकर बवाल काट रहे थे उन्हें हटाया गया। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से ये भीषण सड़क हादसा पालीगंज में हुआ है, जिसके बाद घरों में मातम सा छा गया है और लोगों में जो है लोगों का रोना धोना और लगातार जो है बात करें सनसनी का तो वो फैल चुका है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। करीब कई घरों के जो लोग हैं वो चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं घरों में जो मातम पसरा हुआ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द एसटी न्यूज़। धन्यवाद।